Good evening, dear students. Very, very good evening, and welcome to the Baiju's exam prep. Sabka bahut bahut swagat dear students, for this session. Production engineering, and we are going to start from today, dear students. The very beautiful course for this gate 2022, that is lux gate lux 2022, dear students. This is kind of crash course. We are starting from the today on this.

ऑन दिस यूट्यूब चैनल चलो भैया जल्दी से आ जाओ मनमोहन पांडे जी वेलकम ऋषिकेश वेलकम जीवन प्रशांत वेलकम अनुराग कुमार समीर पठान वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइड चलो डियर स्टूडेंट्स ज्वाइन देशन एंड इन्फॉर्म यूर फ्रेंड्स टू ज्वाइन द सेशन सबको बता दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल कोर्स डियर स्टूडेंट्स प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड यस यस जीवन प्रशांत डेफिनेटली हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा कोई इश्यू नहीं चलो चलो जल्दी से फर्स्ट ऑफ ऑल हैव सूवमेंट इन द चैट बॉक्सर लॉन्ग टाइम वी आर लाइव हिंड आई वॉन्ट यूर रिस्पॉन्स डर स्टूडेंट इन द चैट बॉक्स चलो लेट बी नो वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू नाइसली बहुत ही अच्छी तरीके से मैं ऑडिबल विजिबल हूँ आपको जल्दी से बता दो सो दैट आई कैन प्रोसीड सो डियर स्टूडेंट्स ये कोर्स जो शुरू हो रहा है आज से शुरू हो रहा है और जो सब्जेक्ट हम चालू कर रहे हैं वन ऑफ द वेरी वेरी हाई वेटेज सब्जेक्ट ओके इन द गेट सिलेबस गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट इज द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ऑलवेज डियर स्टूडेंट्स यू विल फाइंड अराउंड से एटीन टू ट्वेंटी मार्क्स आर देयर एक्चुअली जनरली आस्क इन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स और देखो डियर स्टूडेंट्स इट इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट डेफिनेटली ओनली थिंग इज दैट आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे फॉर्मिलीज को मग अप करना पड़ेगा बाइहार्ट करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस यहां पे लगेगा डेफिनेटली लगेगा सो so, ये yes, चलो चलो जल्दी से बताओ कीर्ति वर्मा समीर पठान सब बहुत लोग आ चुके हैं जल्दी से बता दो आपकी प्रेजेंस दे दो यहां पे सो so दैट हम मोटिवेशन के साथ ये आज का सेशन चालू करें जैसे कि देखो अगर मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करूं तो अगर मतलब बहुत ही कंफर्म या फिर फिक्स जो बोलते हैं ना कि इतने इतने मार्क्स को तो ये टॉपिक आएगा ही आएगा तो जैसे कि कास्टिंग की बात करूं वेल्डिंग की बात करूं मेटल फॉर्मिंग की बात करूं मेटल कटिंग की बात करूं ये जो चार टॉपिक है ना भैया कि इसके ऊपर तो क्वेश्चन तो रहना ही है ओके सो so डेफिनेटली देखो स्ट्रक्चर मैं बता दो आपको कैसा रहेगा ऐसा नहीं कि खाली हम न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे हमारा बेसिक एक्चुअली uh, जो थीम है ओके okay, इस पर्टिकुलर सीरीज का कि आपको थोड़ी बहुत जो जो नो no डाउट जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही उठाएंगे उसकी आपको कंसेप्ट ओके okay, थोड़ी बहुत उसके ऑल अराउंड आगे पीछे जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड जो फॉर्मुलज इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हाउ टू अप्लाई दो फॉर्मूलीज वेन द क्वेश्चन कम ओके सो थेरी मतलब देखो हमारे पास इतना समय तो है नहीं कि भाई मैं प्रोडक्शन देखो तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है इतना मतलब डेप में है थेरोटिकल वे में है ओके okay, लेकिन हमको गेट के लिए क्या एक्सपेक्टेड है हमको एक्सपेक्टेड है एनालिटिकल वे में ओके okay, सो so हम उसी वे में जाएंगे लेकिन उसके लिए जो जो रिलेटेड चीजें हैं उसकी हम थियरी सीखेंगे कंसेप्ट सीखेंगे फॉर्मुले सीखेंगे और एट द एंड हम उसको क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ओके सो यस यस डे बाई डे आई एम गोइंग टू टेल यू वॉट इज दर द सेशन आर प्लांट ओके आई हेड सो जैसे कि आज अगर बात करूं तो कास्टिंग से चालू करने वाले है कल होगा मेटल फॉर्मिंग परसों होगा मेटल कटिंग लाइक उसके बाद वेल्डिंग वी आर गोइंग इन दैट वे चलो सो आई होप अंकित ऑल्सो ज्वाइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो ज्वाइन सो भैया चालू करते हैं आज का सेशन एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज Okay, लक्ष लक्ष्य 2022 सो प्लीज रिमेंबर इसमें हम थोड़ा बहुत सीखेंगे ओके okay? कंसेप्ट सीखेंगे फॉर्मूले सीखेंगे और फाइनली उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो भी कैसे कौन से कंसेप्ट की जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो गेट पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है वैसे टॉपिक नॉट ईच एंड एवरी टॉपिक वी आर डिस्कसिंग बट जो भी अगर मैंने कास्टिंग उठाया तो उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की जो गेट में हंड्रेड परसेंट पूछने की संभावना है प्रोबेबिलिटी है वैसे टॉपिक करेंगे ओके okay? सो so, चलो जल्दी से करते हैं शुरू आज का ये सेशन दिया स्टूडेंट्स ये मेरे बारे में आई मोकार हैविंग मोर देन टन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग गेट एंड बी टिल नाउ आई हैव है मोर देन टेन थाउजेंड नंबर स्टूडेंट्स फॉर दिस गेट एंड बी आर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री इंजीनियरिंग फ्यूड मेकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स एज वेल चलो डियर स्टूडेंट्स देखो डायग्राम देखिए या फिर पिक्चर देखिए आपको तो थो, थोड़ी बहुत आइडिया लगी होगी कि भैया कास्टिंग ओके जहां पे कमर्शियल वे में कास्टिंग बनाया जाता है उसे कहते हैं फाउंड्री ओके सो आपको पता है सब्जेक्ट का नाम भी ऐसा ही दिया जाता है कास्टिंग टेक्नोलॉजी या फिर फाउंड्री टेक्नोलॉजी ये सर नो जहां पे कास्टिंग बनाते हैं वो उसे कहते हैं फाउंड्री कमर्शियलाइजेशन जहां पे होता है कास्टिंग का ओके वहां उसे बोलते हैं फाउंड्री ओके या फिर कास्टिंग को फाउंडिंग भी बोलते हैं राइट सो so, चलो भैया चालू करते हैं बेसिक बेसिक डेफिनेशन से कास्टिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी चलो भैया कास्टिंग की बेसिक डेफिनेशन देखो आपको इस डायग्राम देख के पता चलेगा कि जहां पे मोल्टन मेटल जो होता है हम कैविटी के अंदर मोल्ड कैविटी के अंदर जहां पे कैविटी का शेप जो है वो एज द शेप ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट फाइनल कास्टिंग यू वांट टू प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस ओके और ये जो मोल्टन है वो जब आप उस कैविटी के अंदर पोर करते हो पोर करते हो तो हम आप अलाउ करते हो कि वो क्या हो जाए सॉलिडिफाई हो जाए और सॉलिडिफाई हो जाने के बाद हम जो मोल्ड आपको जो दिख रहा है देखो बेसिक से बेसिक चीजें आपको पता होगी लेकिन फिर भी बताता हूं देखो ये है तुम्हारा मोल्ड ओके मोल्ड के दो एक्चुअली पार्ट होते हैं एक अपर हाफ होता है एक लोअर हाफ होता है अपर हाफ को हम बोलते हैं कोप लोअर हाफ को हम बोलते हैं ड्रैग ओके okay. जनरली अपनी जो मोल्ड कैविटी होती है वो प्लेस होती है ड्रैग बॉक्स में ओके okay. और आपके लिए जो कप uh, है स्प्रू है या फिर गेटिंग सिस्टम है फॉर एग्जांपल इसका राइजर है ये जनरली प्लेस होते हैं कोप बॉक्स में ओके okay. सो so, देखो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का है देखो मोल्टन मेटेरियल क्या कर रहे हैं हम इसको पोर कर रहे हैं ओके okay? इस मोल्ड कैविटी के अंदर और यहाँ पे आपको कोर भी दिखाई दे रहा है आपको कोर का फंक्शन बता दू की कोर जो होता है हॉलो पार्ट प्रोड्यूस करने के लिए कास्टिंग में यूज होता है ओके okay? मतलब यहाँ पे एक बेसिक चीजें है मोल्ड है मोल्ड बॉक्स है मोल्ड बॉक्स के अंदर वो कैविटी है जो कैविटी जिसका शेप एग्जैक्टली इक्वल टू द शेप ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ओके फाइनल कास्टिंग जो आप प्रोड्यूस करने वाले हो राइट सो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन आप क्या करोगे ये जो पूरा मोल्ड है आजू बाजू में जो डेफिनेटली यहां पे बेसिक जो हम प्रोसीजर सीखेंगे कास्टिंग बनाने की वो सैंड कास्टिंग के लिए सीखेंगे सबसे पुराना इट इज वन ऑफ द वेरी ओल्ड टेक्निक टू मेक समथिंग टू मैन्युफैक्चर समथिंग डियर स्टूडेंट्स बाय यूजिंग दिस मैन्युफैक्चरिंग uh, साइंस ये बहुत ही पुरानी प्रोसीजर है अपने फोरफादर या फिर एंशेंट uh, जमाने से चलती आ रही है ये प्रोसेस है दैट द प्रोसेस विच इज वेल नोन फॉर द ह्यूमन बीइंग ओके फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ओके जो सबसे पहले जो कोई प्रोसीजर अगर हमको पता है कुछ बनाने के लिए तो ये है मेटल कास्टिंग की ओके okay? सो so, ये क्या है आफ्टर सोलिडिफिकेशन हम क्या करेंगे मोल को ब्रेक करेंगे और फाइनल कास्टिंग जो है वो बाहर निकालेंगे ये सिंपल वे में आप डिफाइन कर सकते हो कास्टिंग की डेफिनेशन क्या है भैया दैट इज द प्रोसेस इन whose shape मटेरियल same as द of the फाइनल प्रोडक्ट अलाउ इट टू सॉलिडिफाई दैट molten metal allow it टू solidify. ब्रेक द mold एंड टेक आउट द कास्टिंग दिस इज द कास्टिंग टेक्निक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कास्टिंग अब भैया बात करेंगे कास्टिंग तो सैंड कास्टिंग की सैंड कास्टिंग में देखो वेरियस स्टेप्स है सैंड कास्टिंग बनाने के लिए अपने पास वेरियस है है कौन कौन से रे सबसे पहला स्टेप है कुछ अगर शेप की कैविटी बनानी है तो सबसे पहले हमको पैटर्न निकालना पड़ेगा पैटर्न बनाना पड़ेगा तो पैटर्न मेकिंग आता है पैटर्न मेकिंग के बाद आता है मोल्ड मेकिंग ओके मोल्ड मेकिंग आता है उसके बाद भैया इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि आपको मेटल पोर करना है पोरिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ओके okay. और सॉलिडिफिकेशन के बाद आपको क्या करना है ब्रेकिंग ऑफ द मोल्ड और उसको टेक बाहर निकालना है और उसको क्लीन करना है सो फेटलिंग ओके फेटलिंग एंड इंस्पेक्शन फिटलिंग एंड इंस्पेक्शन बेसिक एक्चुअली स्टेप है सैंड कास्टिंग बनाने के लिए सैंड कास्टिंग बनाने के लिए भैया ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कि जो आपको फॉलो करने पड़ते तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है पैटर्न मेकिंग पैटर्न क्या होता है भैया सबको पता है पैटर्न जो होता है इट इज अ रेप्लिक कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस जो आप कास्टिंग बनाने जा रहे हो उसका मिरर इमेज की भाई दिखने में तो सेम है लेकिन डायमेंशन में सेम है मैंने भी नहीं बोलता फेटलिंग का मतलब ऋषभ ब्रेकिंग फेटलिंग मतलब ब्रेक करना कोलैप्स करना जो मोल्ड है उसको ब्रेक करना कोलैप्स करना और वो ब्रेक होके टूट वो फोड़ के हमको क्या निकालना है बाहर कास्टिंग दैट इज अ फेटलिंग समझ में आया फेटलिंग एंड इंस्पेक्शन ओके वेरी गुड चलो भैया तो पैटर्न की अगर बात करें भैया पैटर्न जो है इट इज ऑफ़ द कास्टिंग ये क्या है भैया रेप्लिका रेप्लिका मीन वॉट मिरर इमेज मिरर इमेज की जो भाई दिखने में सेम है लेकिन उसका अगर मैं मेजर करने जाऊं डायमेंशन साइज तो वो वो एग्जैक्टली exactly होगी ये मैं नहीं बोल सकता क्यों नहीं बोल सकता क्योंकि भैया इस पैटर्न साइज के ऊपर जो कुछ एडिशनल डायमेंशन आने वाली है बेस्ड अपॉन जब आपका जो मोल्टर मेटल सॉलिडिफाई होगा उस समय वो मे भी क्या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है एक्सपांड हो सकता है जनरली अगर मैं मैक्सिमम मटेरियल की बात करूं तो ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल हमको दिखाते हैं श्रिंकिंग श्रिंकिंग ओके okay, या फिर कॉन्ट्रेक्शन दिखाते हैं ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन तो हमको क्या करना पड़ेगा यहां पे प्लस और माइनस सम एडिशनल डायमेंशन हमको पैटर्न साइज के ऊपर देनी पड़ती है उसे बोलते हैं अलाउंस ओके सो एक्चुअली अगर पैटर्न साइज की बात करूं तो ये किसके ऊपर देने जा रहे हम आपकी जो बेसिक कास्टिंग साइज है उसके ऊपर पैटर्न साइज इज इक्वल टू आपको क्या देना पड़ेगा रे पैटर्न साइज इज इक्वल टू जो भी आपका कास्टिंग है कास्टिंग साइज प्लस उसके ऊपर या माइनस उसके ऊपर आपको अलावंसेस देने पड़ेंगे भैया और इसीलिए हमको बैलावंस के बारे में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं पैटर्न की ओके okay? कौन कौन से अलाउंसेस है आपके पास कौन कौन से अलाउंसेस है आपके पास आपके पास अलावंसेस अलाउंसेस जो है अलाउंस का मीनिंग क्या है एक्स्ट्रा डायमेंशन कि जो हम uh, कास्टिंग के ऊपर दे रहे हैं और वो साइज का हम क्या बना रहे हैं पैटर्न बना रहे हैं उससे बोलते हैं ओके okay, ये अलावंस एक चार से पांच प्रकार के अलाउंस आपके पास है कि जिसमें बहुत ही मेजर डिस्कशन जो होता है देखो भैया श्रिंकेज अलाउंस के बारे में श्रिंकेज अलाउंस क्योंकि एवरी मटेरियल हैज टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इट्स सॉलिडिफिकेशन ओके बहुत कम मटेरियल है एक्सेप्शन अगर बात करूं तो बिस्मत ओके okay, जो है बिस्मत ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ड्यूरी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन क्या करता है अपने आप को एक्सपांड करने की को, कोशिश करता है बिकॉज जब उसके कूलिंग के दौरान जो भी वाइब्रेशन जो भी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं इसकी वजह से वो क्या हो जाता है एक्सपांड हो जाता है भैया याद रखना जब भी कभी आपको बोल दे कि कास्टिंग ऑफ बिस्मत तो बिस्मत के लिए भैया याद रखना बिस्मत जो होता है वो एक्सपांड होता है ओके okay, ये क्या होता है एक्सपांड होता है ऑल द अदर मटेरियल्स अगर बात करूं तो ऑल द अदर मटेरियल्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर श्रिंक होते हैं ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ओके हाँ भैया देखो एक बात बहुत बार पूछते लोग ग्रे कास्टाइन के बारे में क्या होगा देखो ग्रे कास्टाइन की संभावना ऐसी होती है कि इसका जो श्रिंकिंग है उसका जो श्रिंकेज या फिर कॉन्ट्रैक्शन है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफिटाइजेशन फेनोमेना स देखो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन जो आपके अंदर है किसमें कन्वर्ट होता है फ्लेक्स के अंदर तो उसका फ्लेक्स में कन्वर्ट जो होता है अंदर अगर ग्राफिटाइजेशन ज्यादा होता है ग्राफिटाइजेशन ज्यादा होता है तो श्रिंकिंग जो होता है वो निगेटिव में नहीं जाता डी स्टूडेंट्स ओके ये क्या हो जाता है कम हो जाता है ओके okay? और जब ग्राफेटाइजेशन कम हो जाता है तब श्रिंकेज क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है लेकिन कभी भी डी डीएस डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते कि हंड्रेड जो है वो क्या हो रहा है श्रिंक या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नहीं इसका प्लस माइनस देखो कभी कभी वो ज्यादा श्रिंक हो सकता है कभी कभी कम श्रिंक हो सकता है लेकिन कम श्रिंक का ये मीनिंग नहीं कि वो एक्सपांड हो जाए Please understand, ये जो पूरा चीज है वो जो खेल है पूरा ग्रेकास्ट का वो डिपेंड होता है के ऊपर जब भी ज़्यादा होता है तो minimum श्रिंकेज होता है minimum श्रिंकेज होता है तो ज़्यादा मेटोलॉजिकल टर्म ओके विच इज द कूलिंग ऑफ दिस ग्रे कास्ट एंड ग्रे कास्ट एंड ओके सो अल्टीमेटली डायरेक्टली मैं नहीं बोलूंगा कि ये डायरेक्ट एक्सपांड होता है प्लीज रिमेंबर दिस नो no डाउट लेकिन उसके श्रिंकेजेस में प्लस माइनस चीजें हो सकती है ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर सो डायरेक्टली हमको यह नहीं कहना है कि भाई हो रहा है लेकिन यस yes, बिस्पत के बारे में बोल सकता हूं क्योंकि आ सकता है वो 100 परसेंट मैं उसको नेगेटिव श्रिंकेज अलाउंस दे सकता हूं क्योंकि वो क्या होता है ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन एक्सपांड होता है सो अनलेस एन अदरवाइज डायरेक्टली जब तक वो ना बोल दे कि एक्सपांशन हो रहा है तब तक हम तो ग्रे का ग्रे कास्ट एंड के ऊपर नेगेटिव श्रिंकेज अलाउंस देना नहीं है वी विल ऑलवेज ट्राई टू गिव द पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस ओनली अनलेस एंड अदरवाइज डायरेक्टली स्टेटेड प्लीज रिमेंबर दिस प्लीज रिमेंबर दिस सो डायरेक्टली हमको नेगेटिव अलाउंस नहीं देने का ओके रिशेव ग्राफिटाइजेशन ये मेटलर्जिकल प्रोसेस है या फेनोमेना है ड्यूरिंग द कार्बन व्हिच इज कनवर्टेड इनटू ग्रेफाइट और द फ्लेक्स उटंस okay. ऑलरेडी okay. so हमने चालू किया था अलावंस के बारे में बात करना श्रिंकेज okay. अलाउंस so के बारे में बात करेंगे श्रिंकेज अलावंस के बारे में जब बात करते हैं तो बेसिकली हमको कुलिंग कर ध्यान में रखना पड़ता है कि कूलिंग कर में होता क्या है ये देखो श्रिंकेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो रेड कलर है ओके okay, जो मैंने मोल्टन मेटल से ये मेरा मोल्ड कैविटी क्या कर दिया है फुलफिल किया है लेकिन जब सॉलिडिफाई होने की कोशिश करेगा ये जब मोल्टन मेटल तो वो क्या दिखाएगा देखो फ्रॉम एवरी डायमेंशन इट विल शो द कॉन्ट्रेक्शन इट विल शो द रिडक्शन इन द वॉल्यूम रिडक्शन इन द वॉल्यूम दिस इज नथिंग बट द श्रिंकेज अलाउंस ओके सो यहां पे बेसिकली अगर मैं बात करने जाऊंगी स्टूडेंट्स सो यहां पे जो पोरिंग टेम्परेचर

एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे रहा हूँ सो दैट जो फ्लूडिटी है मेटल की है, मैं पूरी तरीके से मोल्टन मेटल से भर जाए यही मेरी क्या है मेन इंटेंशन है टू पुट दिस टेम्परेचर 150 फिफ्टी टू टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल Okay so dear students I'm so sorry there is some of course the noise is coming the research is uh, going on okay So so see here so when you actually pour the molten metal into this mold cavity so as soon as you pour the molten metal into the mold cavity, there will be the sensible heat loss dear students. there will be the sensible heat loss in this pouring temperature to freezing temperature range that is here as soon as you pour the molten metal there will be the sensible heat loss now the material is reaching to reaching to the melting temperature or the freezing temperature okay and now dear students you know that after this particular temperature whenever there is again heat loss you know that there is a latent heat loss that is there is going to be the phase change okay the mol the temperature is going to be same but the phase is going to change dear students now here the freezing temperature liquid now the material the material is coming to the solid state but the temperature is same this is the latent heat loss and after this Freezing temperature solid, okay. There will be the heat loss in the solid state, dear students, where again the sensible heat is going to remove and the material is now coming to the room temperature. This is, dear students, the actually cooling curve when you talk about this material, okay. Now, here, when I say the there are how many stages? There are how many stages? There is stage number one, stage number two, and stage number three are here, okay. So, here when I say stage number 1 and stage number 2, this stage or the shrinkage in this particular stage is known as the liquid shrinkage, okay, the liquid shrinkage and the shrinkages in the third stage dear students, it is known as the solid shrinkage, solid shrinkage. So, please remember here when you talk about the allowances. अलाउंसिक्स के बारे में बात करते हैं के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लिक्विड है और सॉलिड सॉलिडेस है जहां पेक्विडेस को जो कॉम्पेंसेट करने के लिए जो हमारे पास तरीका है वो होता है प्रोविजन ऑफ द राइजर्स कि जो भी लिक्विड श्रिंकेजेस है वो कॉम्पेंसेट करने के लिए हम क्या करते हैं कास्टिंग प्रोसेस में राइजर का इस्तेमाल करते हैं और सॉलिड सॉलिडेजेस को कॉम्पेंसेट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम जो बात करते हैं हम सॉलिड सॉलिडेज प्रोवाइड कॉम्पेंसेट करने के लिए हम अलाउंस प्रोवाइड करते हैं पैटर्न के ऊपर सो so, इसकी वजह से देखो थर्ड स्टेज का जो श्रिंकेज है थर्ड स्टेज का सींकेज फ्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड से लेके रूम टेम्परेचर तक तीसरे स्टेज का कि वो कॉम्पेंसेट किया जाता है प्रोविजन ऑफ द अलाउंस ऑन द पैटर्न ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट सो जनरली देखो पहले दो स्टेज का पहले दो स्टेज का श्रिंकेज मैं आपको सपोज एक क्वेश्चन बोलता हूं कि भैया पहले फर्स्ट स्टेज का जो सिंकेज है वो परसेंट है दैट इज टेम्परेचर टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर लिक्विड में 6 है उसके बाद फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर लिक्विड से लेके आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड का सिंकेज सपोज मैं बोलता हूँ पांच है ओके तो बताओ फाइनली मुझे अगर पैटर या आलू ये राइजर की अगर वॉल्यूम पता करनी है तो टेल मी व्हाट शुड बी एटलीस्ट वॉल्यूम ऑफ द राइजर कितनी होगी दो स्टेज का of course ये 6 और है का ये दूसरे स्टेज का है so, cool कुल मेरी की volume जो मुझे लगानी पड़ेगी वो इलेवन परसेंट की लगानी पड़ेगी हाय मोइनी वेलकम मोइनी ओके और तीसरे स्टेज का जो श्रिंकेज होता है तीसरे स्टेज का जो श्रिंकेज होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है श्रिंकेज के दौरान फ्रीजिंग सॉलिड से लेकर रूम टेम्परेचर तक तो वो जो अलाउंस देते हैं विच इज इक्वल टू दर्मल एक्सपांशन ऑफ द मटेरियल इनटू डायमेंशन ऑफ द कास्टिंग इनटू द देशर डिफरेंस डेल्टा टी कहां से दैट इज टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर ये होता है अल्फा इंटू एल इंटू दिसंटर्मलिडेज यह है तुम्हारा सॉलिडेज कहता है इट इज इक्वल टू द कोई पेशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांश इन टू द डायमेंशन ऑफ कास्टिंग इन टू दिसम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी क्लियर क्लियर

Okay, तो इसकी वजह से अगर मैं बोलूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा अगर सॉलिड के स्टेट में श्रिंकेज होने वाला मटेरियल जो है ब्रास है ज्यादा से ज्यादा लिक्विड स्टेज में श्रिंकेज होने वाला मटेरियल जो है वो अपना अल्यूमिनियम है इसीलिए देखो अगर आपका अल्यूमिनियम कास्टिंग है ना का कास्टिंग है तो आपको वहां पे राइजर की साइज ज्यादा रखनी पड़ती है राइजर की साइज आपको ज्यादा रखनी पड़ती है ओके okay? और आपके पास ब्रास अगर कास्टिंग मटेरियल हो तो आपको पैटर्न की साइज ज्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि भाई तीसरे स्टेज में अगर मेरे को अलाउंस प्रोवाइड करने है तो वो पैटर्न के ऊपर देने हैं यस सर नो और अगर ओवरऑल अगर ओवरऑल में श्रिंकेज uh, uh, की बात करूं ओवरऑल श्रिंकेज मतलब सभी में सभी मटेरियल्स के अंदर अंदर अगर मैं ओवरऑल श्रिंकेज की बात करूं लिक्विड की या फिर सॉलिड की ऑल टुगेदर बात करूं तो जो ज्यादा से ज्यादा श्रिंक होता है वो होता है स्टील डिओ स्टूडेंट्स ये याद रखना कि टोटल श्रिंकेजेस अगर किसी ने पूछा टोटल श्रिंकेजेज इंक्लूडिंग द सॉलिड एंड लिक्विड जो कि ज्यादा है डिओ स्टूडेंट्स वो है स्टील के वो है स्टील के याद रखना इन टोटैलिटी अगर कोई पूछे कि भाई सब टोटैलिटी में लिक्विड एंड सॉलिड मिला के अगर मैं पूछू किसके ज़्यादा तो, okay? तो सबसे पहले चलो, श्रिंकेज हम करने को सीखते हैं ओके अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोवाइड अलाउंस ओके जनरली अगर श्रिंकेज की मैं बात इट इज गिवन एज इन टर्म्स ऑफ से Percentage over dimension, percentage over dimension. Okay, suppose one percent, two percent over dimension, or it is given as say on millimeter on millimeter per meter. Okay, for the given side, it is given as mm per meter. mm per meter. Generally, say if I take the steel, steel is given as the shrinkage allowance as say 21 mm per meter. Okay, like we can. Like this, we can provide the shrinkage allowance. Either it is percentage over dimension or it is given as mm per meter. The shrinkage allowance can be provided. So, like example, let's dear students, or seek the how to provide the shrinkage allowance. Okay, so very important, dear students, the rule of the shrinkage allowance you have to understand that is the rules of providing shrinkage allowance, providing shrinkage allowance, providing shrinkage allowance okay whenever external dimensions are there external dimensions are there okay always you have to provide the positive shrinkage allowance of course maximum materials are going to shrink therefore the positive shrinkage allowance is there that is we have to add this positive we have to add this positive shrinkage allowance on the external dimensions as well as dear students whenever internal dimension is there इंटरनल डायमेंशन सपोज बोरऑल होर इज देर हमको उसके ऊपर भी क्या करना है वी हैव टू एड वी हैव टू एड दिंकेज अलाज रिमेंबर डायमेंशन हो या इंटरनल डायमेंशन हो डियर स्टूडेंट वी हैव टू एड द पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस वेन द मटेरियल इज सॉलिडिफाइंग ड्यूरिंग द सोलिडिफाइंग ये क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर श्रिंक हो रहा है ओके For example, this is the block. Okay, I'm going to cast. Okay, so this is the length, this is the width, and this is the height, dear students. So, all the external dimensions, on the external dimensions, I have to add the shrinkage allowance. I have to add here. I have to add here. When I say it is contracting during the solidification, so I have to add this positive shrinkage allowance everywhere. Okay. Yes, sir, you said this in December okay 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 and so internal dimension internal dimension also dear students because it is going to contract do, towards the center of the circle that is the reason why the center of the whole that the dimension that circular dimension also going to contract so we have to provide again the positive shrinkage allowance on the bore also so please remember this is the very important rule we have to remember that on the external dimension as well as on the internal dimension we are going to add this shrinkage allowance okay in case of the material is expanding so instead of positive we have to provide the negative allowance that you know very well so let us take one example so that you will get the clarity so take this take this question okay so the casting shown in the figure the casting shown in the figure made up of the plain carbon steel assuming the shrinkage allowance the volume of the pattern will be how much? They are asking. If the shrinkage allowance on the steel is 21 mm per meter, okay, and this is the dimension, this is the dimension, this is the dimension. Length, this is width, and this is the height, dear students, and this is the bore of 80 mm diameter, okay. चलो चलो भैया ये है आपका देखो सिंपल है सिंपल है कोई बात नहीं लेंथ विड हाइट एक्सटर्नल डायमेंशन है और एक इंटरनल डायमेंशन आपको बोर दिया गया है 80 मिलीमीटर mm डायमीटर का और आपको पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ द वुडन पैटर्न ये जो पैटर्न बनाने वाले हैं इस कास्टिंग को बनाने के लिए दैट इज मेड वुड एंड दे आर आस्किंग द वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न दे आर आस्किंग दॉल्यूम ऑफ द पैटर्न हाउ मच कितनी होगी चलो ये स्टील है आपको पता है स्टील ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है श्रिंक होता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मीटर वेरी गुड टेक लेंथ इट इज 200 प्रोवाइड द अलाउंस 200 हंड्रेड मल्टीप्लर मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय मीटर 1 मीटर इज हाउ मच स्टूडेंट्स 1000 वन mm, 1000 मिलीमीटर सो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच 200 200 यहाँ पे गया है दिस 10 21 डिवाइडेड बाय 10 इट इज 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 4.2 सो इट विल बी 204.2 एमएम ये आपको मिल गई लेंथ यस और नो टेल मी व्हाट इज अबाउट विड्थ 150 ऑन 150 ऐड दिस रिन्केज अलाउंस ऑफ 21 एमएम पर मीटर जल्दी से बताओ कितना आया ये डी स्टूडेंट्स 150 by 21 by 1000, 153.15 अरे mm. हाँ या ना? चलो जल्दी से करो जल्दी से करो भैया जल्दी से करो और जो हाइट आएगी आपकी कितनी आएगी जल्दी से बताओ हाइट कितनी आएगी 100 मिलीमीटर mm की हाइट है इसके ऊपर मैंने दिया 100 मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटीड बाई वन थाउजेंड बताओ कितनी आई 100 सो एक सो दो पॉइंट वन मिलीमीटर सो एक्सटर्नल डायमेंशन देखो मैंने ऐड कर दिया अलाउंस को ऐड कर दिया ओके okay, अब जो बात है भैया बोर की बोर जो है अस्सी मिलीमीटर mm का है इसके ऊपर भी क्या करना है भैया मैंने बोला था बोर भी क्या होगा श्रिंक होगा बोर भी क्या होगा श्रिंक होगा तो उसके ऊपर भी दे दो वन टाइम श्रिंकेज शुड बी प्रोवाइडेड प्लीज रिमेंबर अस्सी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड कितना आया mm. later, निकालो भैया सबके पास अगर है तो

चलो बताओ जल्दी से लेंथ H हाउ मच टू ना चलो फोर जल्दी टू लेंथ इज़ हाउ मच वन विड्थ इज़ हाउ मच 153.15 इंटू हाइट इज हाउ मच हाइट कितनी आई हाइट 102.1 माइनस से कैलकुलेटर निकालो जल्दी से बताओ दियर स्टूडेंट वॉट इज दॉल्यूम ऑफ दिन i am getting here the volume of the pattern 2.6 into 10 to the power 6 millimeter cube yes 2.6 into 10 to the power 6 mm cube this is the answer dear students this is the answer this is the answer many times dear students they are asking such a questions on the shrinkage allowance shrinkage allowance okay very good very good this is the shrinkage allowance okay मशन अलाउंस वन आई टॉक अब अलाउंसिंग अलाउंस यू नो दियर स्टूडेंट इट इज न एक्ट्रा डायमेंशन वी आर प्रोवाइडिंग ऑन टू द कास्टिंग सो दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट मटेरियल यू कैन एबल टू गेट द रिक्वायर्ड सर्फेस फिनिश ऑन टू द कास्टिंग ओके हमको मिल जाएगा ड्राफ्ट के बारे में भी बात करूंगा लेकिन इससे पहले मशीनिंग अलाउंस के बारे में बात करता हूं मशीनिंग अलाउंस मशीनिंग अलाउंस ए मेजर अलाउंस ये दूसरा मेजर अलाउंस है डियर स्टूडेंट्स बाकी के सभी सारे अलाउंसेस क्या है माइनर अलाउंसेस में आते हैं चलो भैया बता दो इसके लिए हाँ, देखो इसका क्या है सपोज ये सरफेस मशीन करना है मुझे तो यहां से भी मशीन होगा और ये यहां से भी मशीन होगा मतलब दोनों तरफ से मुझे एक्स्ट्रा मटेरियल देना पड़ेगा यहां पे दिया यहां पे एक्स एम एम दिया मशीनिंग अलाउंस भैया देते हैं एक्स एम एम पर साइड में ये कैसे अलाउंस देते है? इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है एक्स्ट्रा डायमेंशन जो मैंने मशीनिंग के लिए प्रोवाइड किया है वो देते हैं पर साइड में सो ये ये हो गया देखो ये मतलब दो बार हो गया टू X टाइम्स X, हो गया बराबर मतलब कोई भी आप बाजू ले लो कोई भी आप साइड ले लो तो आपको दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा मशीनिंग अलाउंस देना पड़ेगा इसीलिए याद रखना मशीनिंग अलाउंस एक्सटर्नल डायमेंशन पे क्या होता है टू टाइम्स एड होता है और इंटरनल यहां पे अगर मैं बोलूं कि बोर है सो so आपको पता है मशीनिंग अगर करना है तो मुझे साइज क्या करनी पड़ेगी कम रखनी पड़ेगी या ज्यादा रखनी पड़ेगी अगर मेरा 80 मिलीमीटर का साइज है ओके तो मुझे बोर जो है अगर मैं कहूंगा कि भाई मशीनिंग अलाउंस मैंने चार एम एम पर साइड दिया है ओके मतलब चार एम एम यहां पर रेडियल मैंने अलाउंस दे दिया मशीनिंग अलाउंस बोर के लिए तो मैं अस्सी पे अस्सी पे ये ऐड कर दू चार और चार आठ या अस्सी में से ये चार चार और आठ घटा दू डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा बोर है तो घटाना पड़ेगा सो so दैट मुझे मटेरियल मिलेगा वहां पे मटेरियल रिमूव करने के लिए और मैं जो भी रिक्वायर्ड फिनिश है वो बोर के ऊपर ला सकू याद रखना भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मशीनिंग अलाउंस एक्सटर्नल डायमेंशन के ऊपर एड होता है मटेरियल एक्सटर्नल डायमेंशन के ऊपर एड होता है और इंटरनल डायमेंशन के साथ या इसके ऊपर वो घट जाता है सबस्ट्रैक्ट होता है याद रखना ये रूल याद रखना एक्सटर्नल डायमेंशन है तो मशीनिंग अलाउंस दो बार ऐड कर दो इंटरनल बोर डायमेंशन है तो उसके अंदर से वो डायमेंशन रेडियली घटा दो रेडियली मतलब टू पॉइंट टू टाइम्स डायमेट्रली होगा यस और नो सो प्लीज अंडरस्टैंड सपोज सेम क्वेश्चन इफ आई टेक एंड इफ आई से मशीनिंग अलाउंस इज ऑन द लेंथ इट इज फाइव पॉइंट फाइव एम एम On the width it is 3 mm. On the height it is 3 mm. And on the bore it is 3 mm. So tell me the dimensions. Chalo, bhaiya, chalo jaldi se And what is the dimensions after provision of the machining allowance? So length is how much? 200 mm. So when I add here 5.5 mm, how to add? Machining allowance is always two times. So L dash is going to be 200 plus two times this 5.5. Dear students. So tell me what is the length? What is the length? It will be 211 millimeter. Right? On the width, W dash width is how much? 150 mm. So 150 mm on the width. I am saying the machining allowance is 3mm. So it will be 2 multiplied by 3, it will be 156 millimeter. Very good, dear students. The height, tell me the height. Jalti Sibata height will be how much H dash? 100 millimeter. On that, I will add 2 times 3. It is going to be 106 millimeter. And very important, dear students. Very important when I talk about the bore of 80 mm diameter, we have to subtract, subtract the machine allowance radially. Minus 2 times 3. It is going to be 74 millimeter, dear students. Why? Because when I put the dimension than the required one, then this material I can able to machine. फॉर द बोर एंड आफ्टर डूइंग द मशीनिंग डेफिनेटली जब भी आप मशीन करोगे बोर तो बोर की साइज क्या होगी एंड लार्ज होते चली जाएगी सो डेफिनेटली यू विल मशीन इट एंड फाइनली कम टू दिस रिक्वायर्ड साइज डियर स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड साइज ओके सो दिस इज हाउ दिस इज हाउ आई होप यू गेट द आइडिया टू हाउ टू गि दिस मशीनिंग अलाउंस इट इज गिवन एज टू टाइम्स ऑन द डायमेंशन टू टाइम्स ऑन द डायमेंशन प्लीज रिमेंबर दिस प्लीज रिमेंबर दिस प्लीज रिमेंबर दिस आई होप इट इज क्लियर So, bahia, yes, I will just stop here for the allowances, dear students. Next, very important topic here for this uh, casting technology that is the gating system. That is the gating system. Dear students, gating system is what? Okay, this is the region, this is the passage, this is the areas through which molten metal is going to pass through the Casting, dear students, and ultimately reaching to the mold cavity that particular region, area, por portion of the casting system, mold system, it is known as the gating system. The gating system. So, generally, when I talk about the gating system, see here very nicely, you will get the idea. See here, you get the idea, dear students. What is the gating system? Here is the sprue, here is the sprue, sorry, cup, cup, or the basin, okay, where you are pouring the molten metal. First of all, it will actually come here okay, as a reservoir, it will be get stored there and from that region, from that cup, dear students, now the molten metal is traveling or passing through. The tapered sprue is there, okay, which is connecting passage from the bottom of this cup to the, dear students, the runner, runner passage, see here. So, this is the top, this is the top of the sprue, dear students, this is the bottom of the sprue, okay, and now this bottom of the sprue, the material is, flowing through this is the runner this is the runner dear students okay and from the runner dear students the molten material finally actually the region from where it is actually entering into the mold cavity actually okay. enter cavity mold cavity it is known as the in gate or gate you can see here these are the gate these are the gate through which the molten metal is actually get added get poured into this दिस मोल्ड कैविटी दिस मोल्ड कैविटी ओके सो यस सो परविंदर आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग इन दैट वेरी माइन्यूट डिटेल्स सो दिस आर वेरी माइनूट डिटेल्स डेफिनेटली कास्टिंग वेल्डिंग बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स है भैया ओके okay? उसमें अगर पढ़ने जाओ तो बहुत सारी चीजें है सीखने के लिए पढ़ने के लिए खुद का नॉलेज बढ़ाने के लिए डेफिनेटली यह बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है ये स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग साइंस कि मतलब आपको रियलिस्टिक बना देता है आपको प्रैक्टिशनर इंजीनियर बना देता है मतलब स्टूडेंट कैटेगरी से आपको प्रैक्टिशनर की लेवल तक ले जाने का काम आपको मैन्युफैक्चरिंग साइंस करता है डियर स्टूडेंट्स ओके अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे जानोगे तो वो माइन्यूट चीजें डेफिनेटली यहां पर हमको डिस्कस करने के लिए टाइम इतना नहीं है ओके आई एम सो सॉरी फॉर दैट ओके बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें छोटी छोटी कि जो पढ़ेंगे तो और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा लेकिन यहां पे इतना टाइम अपने पास नहीं है राइट सो यू कैन सी हियर गेटिंग सिस्टम की बात करें तो क्या क्या आएगा देखो ये आ गया पोरिंग कप ये आ गया स्प्रू ओके ये रहा आपका रनर ये रहा गेट इन गेट और ये जो है आफ्टर आपकी जो मोल कैविटी फिल होने के बाद जो भी राइज होगा मोल्टन मेटल कि जो आपको लिक्विड कॉम्पेंस लिक्विड श्रिंकेज को कॉम्पेंसेट करने के लिए मैंने बोला था कि राइजर प्रोवाइड करते हैं तो ये देखो यहां पे राइजर भी प्रोवाइड किया गया है तो ये कुल मिला के अगर किसी ने पूछा कि कितने पार्ट्स है गेटिंग सिस्टम के क्या क्या एक्चुअली उसके इलेमेंट्स है तो आपको अच्छे से बताना आना चाहिए कि कब और बेसिन जो है उसके बाद है उसके उसके बाद बाद स्प्रू रनर है उसके बाद आपके पास इनगेट्स है राइजर भी आप उसमें क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो ये जो है गेटिंग सिस्टम देखो एक बार देखो 2018 में सिंपल उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो मोल गेटिंग सिस्टम में जो पैसेज है कि बॉटम ऑफ द कप से लेके आपको रनर तक कनेक्ट करता है ये जो पैसेज है उसको क्या बोलते भैया ये क्वेश्चन था ये question था, ओके वन मार्क का क्वेश्चन गेट में पूछा था तो आपको पता है कि भाई ये पैसेज कौन सा ये तो है? ये तो स्प्रू है ये तो स्प्रू है ओके और जब हम बात करते हैं स्प्रू की भैया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है गेटिंग सिस्टम की अगर मैं गुड गेटिंग सिस्टम नॉट ओनली गेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भैया गेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली काम बन जाता है फाउंड्रीमन uh, का या फिर इंजीनियर का कि वो अच्छी तरीके से गेटिंग सिस्टम डिजाइन करे अगर वो यहां पे वो फेल हो गया अच्छी गेटिंग सिस्टम डिजाइन करने में तो भैया आपका जो कास्टिंग है वो डिफेक्ट फ्री कभी भी नहीं बन सकता उसके अंदर गैसियस डिफेक्ट या फिर एस्पायरेशन जैसी चीज़ें हो के ही रहेगी और आपका जो कास्टिंग है वो कोई भी वैल्यू का नहीं रहेगा इसके लिए भैया गेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना यह सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है और उसके लिए अगर मैं बात करूं गेटिंग सिस्टम के लिए तो हम हम हमारे हम, हम, पास बर्नॉलिज का इक्वेशन है हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है जिसका इस्तेमाल करके हम ये गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जहां पे रिक्वायर्ड एरियाज ओके टॉप ऑफ द स्प्रू बॉटम ऑफ द स्प्रू ओके सब चीजें हम कैलकुलेट करते हैं उसकी हाइट कब में कितना मोल्टन मटेरियल है स्प्रू की हाइट कितनी होनी चाहिए यह सब चीजें हम इसमें डिफाइन uh, करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखो मैं थेरोटिकली बात कर रहा हूं मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा आपके साथ अगर मेरी जो गेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी चाहिए तो उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक उसके पास होने चाहिए ये मुझे क्या करनी है आपके साथ चर्चा करनी है सबसे पहली बात कि गुड गेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम भैया नॉट ओनली गेटिंग सिस्टम बट वो कैसी होनी चाहिए गुड होनी चाहिए तो सबसे पहली बात मैं करूंगा तो जो पोरिंग टाइम है या फिर फिलिंग टाइम है उस गेटिंग सिस्टम का वो जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम चाहिए सो दैट विद इन नो टाइम बहुत ही कम समय में मैं मेरी क्या करूंगा मोल्ड कैविटी मोल्टन मेटल से भर दूं सो so दैट ऐसा ना हो कि भाई मैं मोल्टन अभी भी मटेरियल को पोर कर रहा हूं और कोई पार्ट मोल्ड कैविटी का सॉलिडिफाई होना चालू हो गया ओके okay, मुझे यह बात नहीं चाहिए मुझे ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए ओके okay, नहीं होने देनी है इसके लिए क्या करना है कम से कम समय में पोर जो अपना मोल्टन मेटल जो है इसके मोल्ड कैविटी के अंदर पोर करना यह सबसे पहली बात दूसरी चीज कि जो गेटिंग सिस्टम में नहीं होनी चाहिए थी तो मैंने बोला कि भाई कोई भी पार्ट मोल्ड कैविटी का सॉलिडिफाई होना नहीं चालू होना चाहिए जब तक कि पूरा पोरिंग खत्म ना हो जाए ओके okay, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो पहले में आ जाएगा तीसरी इंपॉर्टेंट बात तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए भैया जो भी आपका जो फ्लो है मटेरियल का मोल्टन मटेरियल का मोल कैविटी के अंदर वो क्या होना चाहिए लैमिनार वे में होना चाहिए लैमिनार होना चाहिए कि वहां पे टर्बुलेंट अगर हो गया तो क्या हो जाएगा ड्रॉस फॉर्मेशन हो जाएंगे ड्रॉसी पूरा तुम्हारी ड्रॉस ये ये डिफेक्ट डिफेक्ट है बेसिकली हो जाएगा कि आपके मोल्टन मटेरियल ने क्या बना दी वहां पे मोल कैविटी में ड्रॉस बना दी ओके okay, सो so ये चीजें नहीं होनी चाहिए मतलब कोई भी टर्बुलेंस वहां पे आकर होना नहीं चाहिए जो भी आपका फ्लो है विद इन द लेमिनार रेंज में वहां पे वेलोसिटी फ्लो की होनी चाहिए ऐसा नहीं कि मैक्सिमम uh, वेलोसिटी में दे दूं बोरिंग टाइम कम करने के लिए ओके okay? लेकिन भैया वेलोसिटी जब आप मैक्सिमम करने जाओगे तो लैमिनार फ्लो का क्या हालत होगा डेफिनेटली जो फ्लो होगा आपका अगर आपने ज्यादा वेलोसिटी बना दी ड्रॉस मीन सी इट इज ऑक्साइड लेयर दैट इज ऑक्साइड टेंडेंसी ऑफ द मटीरियल ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल जैसे कि एल्यूमिनियम की बात करूं मैग्नेशियम की बात करूं ओके okay? कि वो ड्रॉस ज्यादा क्रिएट करते हैं ड्रॉस मतलब जो भी प्रोडक्ट बनता है मटेरियल मटेरियल का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तब जाके ये जो ड्रॉस वगैरह बनती है ओके सो सो पे यहां पे भैया इंपॉर्टेंट बात है कि वेलोसिटी आप बढ़ा दो ऐसा नहीं कि वेलोसिटी आप कुछ भी बढ़ा दो ओके okay? ऐसा नहीं कि आप कुछ भी वेलोसिटी बढ़ा दो आपको वेलोसिटी मैक्सिमम रखनी है नो no डाउट आपको पोरिंग टाइम कम करना है लेकिन विद इन द रेंज ऑफ लैमिनार रीजन ओके सो so, ये एक आपको बात हमेशा याद रखनी है कि वहां पे वेलोसिटी शुड बी इंक्रीज इन टू और विद इन द रेंज ऑफ ओके टर्बुलेंस वहां पे आपको कोई संभावना ही नहीं, नहीं कि, होने ही नहीं चाहिए टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देन वेन यू टॉक अबाउट द एस्पायरेशन इफेक्ट एस्पाशन इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एस्पायरेशन इफेक्ट में क्या होता है जब मोल कैविटी के अंदर प्रेशर ड्रॉप होता है बिलो द दैट इज द प्रेशर Falls below the this, uh, होने के अंदर अगर बाहर की एयर है प्रेजेंट और आपने मोल्टन मेटल पोर कर दिया तो वो एयर क्या करेगी सबसे पहले बाहर निकलने की कोशिश करेगी लेकिन तब तक अगर आपका कास्टिंग सोलिडिफाई हो गया तो वो एयर है डियर स्टूडेंट ट्रैप हो जाएगी मोल मोल्टन मटेरियल के अंदर और आपको देगी गैसियस डिफेक्ट जैसे स्कार ब्लिस्टर ब्लो होल पिन होल पोरोसिटी ओके ऐसे गैसियस डिफेक्ट्स आपको वो गिफ्ट में दे देगी अगर वो एयर बाहर नहीं निकली सो so, इसकी वजह से एस्पायरेशन इफेक्ट फ्री देर शुड बी नो एस्पायरेशन इफेक्ट फॉर द गुड गेटिंग सिस्टम ये भैया याद रखना और उसके लिए हम अगर एरियाज की बात करें ये जो आपका स्प्रू है ओके okay? ये अगर मैं ए टू बोलता हूं टॉप ऑफ द स्प्रू और बॉटम ऑफ द स्प्रू ए बोलता हूँ ये आपकी स्प्रू हाइट है डियर स्टूडेंट्स सो एक इंपॉर्टेंट रेशो अपने पास आता है इट इज नोन एज द एरिया रेशो आर विच इज इक्वल टू ए थ्री बाय ए इज इक्वल टू अगर ये कप के अंदर मोल्टन मटेरियल कुछ हाइट तक है एच ओके okay, तो ये आता है रूट ओवर एच जो आपको एरिया विथ रिस्पेक्ट टू हाइट आपको एक इक्वेशन देता है मैथमेटिकल मीनिंग में उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक ओके कि आपका जो स्प्रू है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट स्प्रू आपका जो स्प्रू होना चाहिए वो पैराबोलिक होना चाहिए कि तब जाके कभी भी आपकी जो बाहर की एयर है वो इनसाइड मोल्ड कैविटी के अंदर क्या बोलते हैं उसको शक नहीं होगी और एस्पायरेशन फ्री आपकी गेटिंग सिस्टम रहेगी ओके तो यहां पे जो ए थ्री बाय एरिया रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इज इक्वल टू क्या है Hc है बेटा कप हाइट मोल्टन मेटल के मेटल जो कप में है कितने हाइट तक है ओके ये जो है मोल्टन मटेरियल की हाइट इन द कप और एच टी जो है ये टोटल हेड अवेलेबल है अप टू दिस पर्टिकुलर बॉटम ऑफ दिस प्रू विच इज टोटल so, वही तो बोला भैया अगर स्ट्रेट अगर मैं सिलिंड्रिकल मेरा अगर स्प्रू होगा ओके okay, तो सबसे पहली बात तो एक्सपायरे इफेक्ट होकर रहेगा यह सबसे इंपॉर्टेंट बात ओके okay, यही तो मैंने किया था अगर अगर ये टेपर की जगह स्ट्रेट सिलिंड्रिकल स्प्रू होता कुछ ऐसा आपका होता ओके राइट स्प्रू ये है तुम्हारा कप हाइट ये है तुम्हारी स्प्रू की हाइट तो भैया यहां पे हमेशा क्या होता एस्पायरेशन वैलिड होता इस यहां पे पॉइंट टू पे हमेशा डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव प्रेशर आता नेगेटिव प्रेशर आता ओके okay, आप बर्नॉलिज इक्वेशन लगा देखो, के देखो पॉइंट टू एंड पॉइंट थ्री के ऊपर ओके तो यहाँ पे जो प्रेशर जो है पी टू हमेशा जो आएगा माइनस रोजी एच डी स्टूडेंट और नेगेटिव प्रेशर मतलब वहां पे क्या होगा ओके okay, तो क्या होगा वहां पे हमेशा नेगेटिव प्रेशर प्रेशर आएगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा मतलब यहां पे संभावना है चांसेस एट्मा, है कि बाहर की एटमोस्परिक जो एयर है ओके वो क्या हो जाएगी सक हो जाए थ्रू द पोरोसिटी ऑफ द सैंड ओके okay, और ये क्या हो जाएगी हर जगह पे आके आ, मतलब मोल्टन मेटल के अंदर ट्रैप हो जाएगी इसी वजह से तो हमने क्या किया है कि हमको ये जो इक्वेशन मिलता है पैराबोलिक इक्वेशन ए थ्री बाई ए टू की अगर बात करो सो रूट ओवर एच सी बाई एच डी ओके सो ये हमको बताता है कि आपने अगर ये पैराबोलिक स्प्रू अगर आपने यहां पे इंप्लाई किया तो हमेशा क्या हो जाएगा ये एक्सपायरेपन जो इफेक्ट है वो नील हो जाएगा लेकिन बात ये है कि पैराबोलिक्स स्प्रू को बनाना प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है उसकी वजह से जो नियरर शेप है पैराबोलिक के वो है टेपर वो है टेपर जो ऑल भी रिक्वायरमेंट से पैराबोलिक की वो क्या करता है सेटिस्फाई करता है आपको जो गैसियस डिफेक्ट मिलने वाले वो इलिमिनेट करता है इसकी वजह से इसकी वजह से क्योंकि वो बनाना उसको बनाना बहुत सिंपल है टाइमलेस वो है मतलब कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट देने की जरूरत नहीं आप आसानी से उसको बना सकते हो इसके लिए इंस्टेड ऑफ पैराबोलिक ऐसा नहीं कि पैराबोलिक बना ही नहीं सकते बना सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत उसको समझ आता है ये थोड़ा स्किल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वहां पे वो बनाने के लिए तो इसकी वजह से हम जो नियरर शेप है पैराबोलिक के वो है टेपर टेपर शेप हम इस्तेमाल करते हैं समझ में आया समझ में आया भैया क्यों टेपर इस्तेमाल होता है ओके आई होप इट इज क्लियर आई होप इट इज क्लियर ओके सो यह है इंपॉर्टेंट चीज जहां पर मैं अगर डिस्चार्ज बोल दू कोई मैं बोल सकता हूं ए टू वी टू अगर यह अपना सिंपल अब यहां पर मैं दिखाता हूं इट इज टॉप से इट इज सेक्शन टू और पोजिशन टू ऑफ दिस टॉप स्प्रू दिस इज द बॉटम ऑफ द स्प्रू पोजिशन थ्री ओके दिस इज द मोल्टन मेटल इन द कप दिस इज द हाइट ऑफ द स्प्रू ओके दिस इज यूर मोल्ड कैविटी okay, then you do your students write a2 v2 is equal to a3 v3. that is the continuity equation. and we can write here finally this area ratio a3 by a2 is equal to root over hc by ht. okay? so that is a very important thing. okay, for this uh, getting system, now when you say that there are the various types of the getting system, classification of the getting systems, one is top getting system, bottom getting system, parting getting system, step to getting system. these are the various getting system we are having.

this is the mold cavity this is the cavity and molten metal dear students is coming like this from top to bottom from top to bottom this is the top getting system okay now what is bottom getting system bottom getting system they call mere a diagram they call bottom getting system ki kya hai. so here molten metal is coming and it is raising from bottom to top raising from bottom to top dear students so this is the बॉटम गेटिंग सिस्टम दिस इज द बॉटम गेटिंग सिस्टम सो दोनों के अपने इम्पैक्ट है, है, तो, पैदा करेगा सो so, यहाँ पे चांसेस मोटेरियल मोल्टन मेटेरियल सॉरी सैंड को इरोड कर दे सैंड मिक्स हो जाए मोल्टन मेटेरियल के अंदर क्रिएटिंग द सैंड इरोजन सैंड इंक्लूजन ऐसी सब चीजें है लेकिन लेकिन क्या है यहाँ पे जो टाइम जो लगता है फॉर फिलिंग दिस कास्टिंग द टाइम फॉर द फिलिंग द कास्टिंग और द पोरिंग टाइम और द फिलिंग टाइम ये क्या लगता है कम लगता है ये टॉप गेटिंग सिस्टम अगर मैं बोलूँ कि पोरिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है टॉप गेटिंग सिस्टम में सो so ये होता है क्या वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग डिवाइडेड बाय हाउ मच डिस्चार्ज यू आर हैविंग फॉर दिस मोल्टन मेटल विच इज इक्वल टू वी वी फॉर द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाय क्यू क्यू क्या है आपका द डिस्चार्ज ए थ्री इन टू वी थ्री जनरली यहां पे हम जो एरिया लेते हैं लेते हैं नॉन कि है ए थ्री ओके सो ए थ्री इज नथिंग बट द एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द स्प्रू हम यहां पे लेते हैं V3. V3 कैलकुलेट क्या है? V3 है मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी और कैसे निकालोगे मैक्सिमम वेलोसिटी अगर ये आपकी मोल्टन uh, मेटेरियल की हाइट है कप में एच और ये है आपकी स्प्रू हाइट एच एस सो कुल मिला के टोटल हेड कितना अवेलेबल है तीन नंबर के पास ओके okay? पोजीशन तीन के ऊपर कितना हेड टोटल अवेलेबल है ये है आपका टोटल अवेलेबल हेड एच टी देर फोर यहाँ पे जो भीतरी है मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो क्या आएगी रूट टू जी एच टी और यहाँ पे पॉइंट टू पे जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी रूट टू जी एच सी कितनाबल है एच सी जितना अरे है हाँ ना हा so ये है इसकी वेलोसिटीज एंड वेलॉसिटी थ्री जनरली वी थ्री वेलोसिटी हम लेते हैं पे इस पोरिंग टाइम कैलकुलेशन में वेन यू टॉक अबाउट टॉप गेटिंग सिस्टम टॉप गेटिंग सिस्टम में ओके दिस वी थ्री इज नथिंग बट रूट ओवर टू जी एच टी ए थ्री इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द बेस ऑफ द प्रूफ ओके एंड वी इज वॉट वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग ओके सो दिस इज द पोरिंग टाइम फीलिंग टाइम फॉर द टॉप गेटिंग सिस्टम डियर स्टूडेंट्स एंड वेन आई टॉक अबाउट द बॉटम गेटिंग सिस्टम ओके सो हाउ टू कैलकुलेट द पोरिंग टाइम और फीलिंग टाइम वेरी इंपॉर्टेंट ओके कैसे निकालते हैं भैया कैसे निकालते हैं बताओ सो हियर डियर स्टूडेंट यू हैव टू गो फॉर द एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन तो पोरिंग टाइम तो फॉर्मुला तो सेम पोरिंग टाइम इज इक्वल टू वॉट वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाई ए थ्री Into only velocities now the average velocity we have to use here. Okay, which average velocity? The average velocity is equal to maximum velocity plus minimum velocity divided by 2. That is average velocity. So, where is the maximum velocity? When I have this manometric head available here is h. So I will be having here is the maximum velocity v max. And dear students, when the molten material is filling into get filled into the mold cavity, it is reaching here up to the mold height hm. Okay, hm is the mold height. So, here I will get the minimum velocity of this molten metal, yes or no, which is equal to root over 2g. How much head is available here, he, dear students? Tell me so here h minus hm is the available head here so root over 2g into bracket h minus hm is the minimum velocity maximum velocity is what v max is equal to root over 2gh now take here the average velocity v max plus v mean divided by 2 dear students this is the average velocity and a3 is what the area at the bottom of the sprue or sometimes it is taken as the area of the gate no any issue in that i hope this is clear i hope this is clear i hope this is clear bhaiya clear aa ho raha hai ki nahi samajh mein aa raha hai ki nahi jaldi se batao जल्दी से बता Bottom gating में खाली आप बात करेंगे तो molten metal बॉटम से ऊपर raise हो रहा है so यहां पे इरोजन के चांसेस नहीं है यहां पे इंपैक्ट का कोई चांस नहीं है ओके okay? सो so, आप अच्छी तरीके से मोल्टन मेटल फील कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ सैंड सैंड इरोजन इंक्लूजन है और उसके बाद लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम है कि भैया इसमें जो फिलिंग टाइम होता है थोड़ा ज्यादा लगता है कंपेयर टू द टॉप गेटिंग सिस्टम ओके हम नुबे देखेंगे इसके ऊपर अब तीसरी जो बात करेंगे पार्टिंग गेटिंग सिस्टम भैया यहां पे मोल्टन मेटल जो होता है पार्टिंग प्लेन के साथ क्या होता है या पार्टिंग प्लेन में से क्या होता है मोल्ड कैविटी के अंदर आता है ओके कि जो गेट पूरा तुम्हारा मोल्ड कैविटी है ओके पार्टिंग लाइन के ऊपर भी है और पार्टिंग लाइन के नीचे भी है मतलब कोप में भी है और ड्रैक में भी है ओके तो ये जो फील होगा मोल्टन मेटल कैविटी के अंदर सबसे पहले वो क्या करेगा ये सपोज ए और बी ये आपके जो पार्ट है मोल्ड कैविटी के कोप में रिस्पेक्टिवली so, बी को फिल करेगा एज अ टॉप गेटिंग सिस्टम ये बी जो होगा टॉप गेटिंग सिस्टम के जैसा फिल होगा और जो अपर वाला ए जो है वो क्या होगा बॉटम गेटिंग जैसे फिल होगा और आपको कुल मिला के जो पोरिंग टाइम लगेगा ओके okay, वो पोरिंग टाइम फॉर ए प्लस पोरिंग टाइम फॉर बी आपको मिलेगा टोटल पोरिंग टाइम ओके सो यस ये पार्टिंग गेटिंग सिस्टम में मतलब दोनों तरीके से बॉटम पोर्शन आपको लाइक टॉप गेटिंग आपको पोरिंग टाइम कैलकुलेट करना है और अपर पार्ट जो है वो एज अ बॉटम गेटिंग आपको क्या करना है फिल्क होना है या फिर उसका कैलकुलेशन एज अ बॉटम गेटिंग करना है और इन टोटेलिटी इन दोनों की समेशन लेनी है सो so, दैट आपको क्या मिले टोटल फिलिंग या पोरिंग टाइम मिले ओके भैया चलो चलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं बहुत अच्छी तरीके से चलो एक क्वेश्चन लेते हैं चलो वन क्वेश्चन इज देर स्कीमेटिक डायग्राम डायग्राम आपको डायरेक्ट दे दिए डी वन बाई डी टू ने पूछा है डी वन बाई डी टू चलो निकालो डी वन बाई डी टू ये रहा ये रहा यस आधा आधा कैलकुलेशन चलो ये रहा ये है सपोज डी टू एस टू डी थ्री निकालो क्योंकि हमारा जनरल जो स्पेसिफिकेशन है रिप्रेजेंटेशन है D2 D3 ये सेक्शन टू है ये सेक्शन थ्री है चलो बताओ डी टू बाई डी थ्री निकालो जल्दी से यू नो दरिया रेशो ए थ्री बाई ए टू इज इक्वल टू रूट ओवर एच सी बाई एच टी आपको पता है चलो 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 जल्दी से बताओ सो so, होगा? ए थ्री बाय फोर इट इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है भैया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है चलो क्या होगा सो फाइव बाय फोर डी थ्री स्क्वायर डी थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टू इक्वल टू रूट ओवर एच सी एच टी कप हाइट कितनी है हंड्रेड डिवाइडेड बाई टोटल हाइट सोलह सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर वन बाय विच इज इक्वल टू वन बाय फोर ओके भैया स्क्वेयर है स्क्वेयर है गलती कर दी परविंदर स्क्वेयर है सो so, रूट लेना पड़ेगा रूट लेना पड़ेगा देयर फोर डी थ्री बाय डी टू विल बी हाउ मच वन बाय टू देर फोर डी टू बाय वन विच इज टू टू इज द करेक्ट आंसर टू इज द करेक्ट एंसर सी दिस क्वेश्चन हाउे प्लीज अंडर स्टैंड स्टूडेंट अंडरस्टैंड कैसे पूछते वेरी सिंपल फ्रॉम द एरिया बाई एस टी हमको पता है हमने डायरेक्ट यूज कर दिया वेरी गुड स्टूडेंट वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो चलो ये आपको दिया है ओके okay. एक राइजर दिया है सिलिंड्रिकल राइजर है ओके okay, और ये तुम्हारा क्यूबिकल या फिर स्लैब टाइप का कास्टिंग है ट्वेंटी बाय ट्वेंटी बाय फाइव सेंटीमीटर ओके सो चलो आपने अभी हमने देखा कि पार्टिंग प्लेन आपको पता है ये पार्टिंग गेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है बेहतरीन कि ये वाला जो पार्ट है एज अ टॉप गेटिंग सिस्टम फिल होगा और ये सिलिंड्रिकल जो राइजर है एज अ बॉटम गेटिंग सिस्टम फुल होगा यस सर नो सो चलो जल्दी से निकाल दो निकाल दो इसका क्या 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 निकाल सकते हो देखो इन्होंने दिया है क्या टोटल राइजर को फिल होने में और कास्टिंग को फिल होने में टोटल टेन सेकेंड लगते हैं ओके और उन्होंने अगर अगर ऐसा है तो भैया ये गेटिंग या फिर एरिया एट पॉइंट कितना होगा ओके या फिर ये गेटिंग का एरिया या गेटिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा इन्होंने पूछा है ओके इनगेट एरिया पूछा है वही तो आप बेस ऑफ द स्प्रू ले लो या इनगेट ले लो कोई भी फर्क नहीं पड़ता ये सेम ही है ओके चलो बताओ क्या आएगा सबसे पहले निकालो क्या करोगे आप जो कास्टिंग है वो कैसे फील होगा एज अ टॉप गेटिंग सिस्टम चलो मोल uh, की हाइट कितनी है यहाँ पे फाइव सो वॉल्यूम होगी ट्वेंटी बाई ट्वेंटी बाई फाइव ये होगी वॉल्यूम आपके पास हेड कितना अवेलेबल है एच टी टोटल दिया है अठारह सेंटीमीटर अठारह सेंटीमीटर दिया है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी एट पॉइंट थ्री पे ऊपर ये है पॉइंट टू यह है पॉइंट थ्री बताओ जल्दी से ओके वी थ्री कितनी होगी वी थ्री थ्री इज इक्वल टू रूट ओवर टू जी एच टी दैट इज रूट ओवर सेंटीमीटर में दिया है तो टू इंटू नाइन एटी वन इंट एच टी दिया है एटीन बताओ वेला एट पॉइंट थ्री जल्दी से बताओ वेलॉसिटी एट पॉइंट थ्री कितने आई कोई बताएगा मुझे सौरभ 187.92, सेंटीमीटर पर सेकेंड अरे भाई सेंटीमीटर पर सेकेंड में बताओ जल्दी से हाँ तो बताओ यहां पे, अब मैं निकाल सकता हूं पोरिंग टाइम क्या आएगा इसके लिए सो टाउ फॉर सपोज ये जो कास्टिंग के लिए मैं लिखता हूँ सी इट इज इक्वल टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग डिवाइडेड बाय दिस ए जी इन टू वी थ्री ओके एजी हमको निकालना है वॉल्यूम कितनी है

और yes नो no? अब मैं अगर बात कर दू कि ये जो राइजर दिया गया है ये जो राइजर दिया गया है वो कैसे फील होने वाला है रे भैया वो कैसे फील होने वाला है वो फील होने वाला है एज ए एज ए बॉटम गेटिंग सिस्टम एज ए बॉटम गेटिंग सिस्टम डायमीटर कितना दिया इसका पंद्रह दिया है और हाइट कितनी दी है उसकी yes अठारह दी है यस no? और नो सेंटीमीटर में ओके okay, डायमीटर पंद्रह और हाइट अठारह ओके okay, तो चलो बताओ पहले क्या कैलकुलेट करोगे क्या कैलकुलेट करोगे एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी लगेगी यहाँ पे मैनोमेट्रिक हेड कितना अवेलेबल है टोटल एज 18 सेंटीमीटर जितना और यहां पे मिनिमम जो वेलोसिटी के लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा वहां पे हाइट ऑफ द मोल्ड बराबर हाइट ऑफ दिस मैनोमेट्रिक हाइट ऑफ द फ्लूड मतलब वी मैक्सिमम अगर मैं निकाल दू तो यह आएगा रूट ओवर टू इंटू नाइन एटी वन इंटू 18 कि जो आपकी 187 पॉइंट कितनी आई थी 92 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी आई थी और मिनिमम निकालने जाए तो जाओ तो क्या होगा रे ये जो डिस्टेंस है h hm ये दोनों सेम है मोल्ड की हाइट देखो देखो यहाँ पे मोल्ड की हाइट देखो और आपके मैनोमेट्रिक हेड की हाइट देखो सेम है मतलब ht hm जो है वो जीरो हो जाएगा मतलब मिनिमम वेलोसिटी क्या आएगी √ 2 into g into एच माइनस एच एम ये सेम हो गए तो ये भैया ये टोटली जीरो हो जाएगी मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम बाय टू अगर लिखता हूं तो ये हो जाएगी मैक्सिमम कितनी है 187.92 मिनिमम कितनी है जीरो डिवाइडेड बाय टू ये हो जाएगी तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी की जो हो जाएगी 93.96 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये होगी एवरेज वेलोसिटी अब निकालो सॉलिड दिस फीलिंग टाइम फीलिंग टाइम फीलिंग टाइम फॉर द राइजर फीलिंग टाइम फॉर द राइजर क्या आएगा दैट इज क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ दैट राइजर डिवाइडेड बाय दिस ए जी आपकी एवरेज वेलोसिटी चलो निकाल दो राइजर की वॉल्यूम निकाल दो क्या है राइजर की वॉल्यूम क्या है पाई बाय बाय सेंटीमीटर सेंटीमीटर डायमीटर है 18 है हाइट डिवाइडेड बताओ कितना आया भैया दिस पोरिंग टाइम फॉर दी राइजर हाउ मच इट इज हाउ मच इट इज इट इज गोइंग टू तो बी थर्टी थ्री पॉइंट एट फाइव डिवाइडेड बाई ए जी ये रहा इक्वेशन नंबर टू और उन्होंने बोला है भैया इन्होंने क्या बोला है यहां पे बोला है कि पोरिंग टाइम फॉर द कास्टिंग प्लस पोरिंग टाइम फॉर द राइजर इज इक्वल टू टेन सेकेंड्स विच इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर वन क्या लिखा था हमने इक्वेशन नंबर वन लिखा था टेन पॉइंट सिक्स फोर डिवाइडेड बाई ए जी टेन पॉइंट सिक्स फोर डिवाइडेड बाई ए जी ओके प्लस थर्टी थ्री पॉइंट एट फाइव डिवाइडेड बाई ए जी इज इक्वल टू टेन बताओ क्या होगा फिर सो एजी इज इक्वल टू हाउ मच 40, कितना 10 plus कितना आया? It is divided by 10. So, dear students, आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है गेट का ओके okay, कितना होगा कितना होगा फोर पॉइंट फोर फाइव सेंटीमीटर स्क्वा वेरी गुड दिस इज द करेक्ट आंसर दिस इज आंसर डियर स्टूडेंट चलो बताओ क्या आएगा आंसर ऑप्शन आर हियर थ्री पॉइंट वन सिक्स थ्री सी चेन्नई इज द करेक्ट आंसर सी चेन्नई इज द करेक्ट आंसर सही है कि नहीं बताओ जल्दी से बताओ बहुत बढ़िया सी इज द करेक्ट आंसर देखो हमने देख लिया कि पार्टिंग टॉप का तो पता ही हमको मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके तीनों गेटिंग सिस्टम हो गए ओके okay? तीनों क्वेश्चन हो गए टॉप का हो गया बॉटम का हो गया और पार्टिंग का हो गया बहुत बढ़िया से आपको तीनों गेटिंग सिस्टम के बारे में पता चल गया। ओके okay, स्टूडेंट्स कल चेन्नई जीती है ओके okay, yeah, चेन्नई सुपर किंग्स सो so अपना सी सी ही आंसर आया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके राइजर डिजाइनिंग की बात करो तो राइजर डिजाइनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स टॉपिक है गेटिंग आपके कास्टिंग के अंदर ओके हाउ टू डिजाइन राइजर सिस्टम है, 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 है. डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा स्पीड तो करना लेना पड़ेगा हमको क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ऐसा नहीं कि मैं एक ही चीज लेके बैठू और वो एक घंटे उसको खींच दू ऐसा नहीं करना मुझे मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके सामने लानी है आपके अटेंशन के अंदर लानी है सो so दैट आपको पता चले कि भाई अगर मैं कास्टिंग बोलो तो ये ये जो चीजें हैं वो कंपलसरी मुझे करनी है उसके कंपलसरी फॉर्मुले मुझे रटने हैं हैं उसको कंपलसरी क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने और वही आपको रिफ्लेक्ट होने वाले एग्जामिनेशन में तो भले स्पीड से जाओ लेकिन बाद में फिर से रिकॉर्डेड डेट लेना कि भाई धीरे धीरे मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है ओके सो बच्चों को अगर कोई लग रहा है कि सर स्पीड है फास्ट जा रहे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थोड़े से भैया पॉज मार के देख लेना बाद में कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें को आ, यहां पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूं इसीलिए थोड़ा स्पीड से जा रहा हूं क्लियर so, भैया परविंदर जैसे लोगों का रिवीजन हो रहा है ओके लेकिन मेरा इंटेंशन है कि जिस जिसी किसी ने अभी उसके दिल में कुछ उम्मीद जगी है कि भाई गेट 22 मुझे एटलीस्ट क्वालिफाई तो करनी है तो उस बच्चे के लिए बताए उस बच्चे के लिए एटलीस्ट मुझे ये सेशन उसको यहां पे देना है सो दैट भैया वो कुछ ना कुछ कर पाए बस यही हमारी उम्मीद है ओके okay? so, पढ़ाने के लिए तो टाइम ही नहीं अपने पास भैया अगर मैं पढ़ा सपोज तो पढ़ाने जाऊंगा एकदम बहुत ही डिटेल में तो मैं एक ही या एक से दो टॉपिक सब टॉपिक्स यहां पे कवर कर पाऊंगा मुझे ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे देना है याद रखना सो so, मुझे मतलब ये बोलने के लिए भी मुझे डर लग रहा है कि मेरा टाइम पास हो रहा है ओके okay? सो so, कोई बात नहीं देखो चलो बात करते हैं राइजर डिजाइनिंग की क्यों राइजर डिजाइनिंग क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक uh, है मेटल कास्टिंग के अंदर की जो आपको सीखोगे तो चांसेस बनता है चांस बनता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिले ओके okay? दो मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे मिले राइजर डिजाइनिंग का सबसे पहले मेथड जो होती है मॉड्युलस मेथड मॉड्यूल मतलब क्या होता है ये रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग डिवाइडेड बाय सरफ़ेस एरिया ऑफ़ कास्टिंग। ओके, सो ये जो होता है मॉड्यूलस होता है अगर मैं राइजर क्यों बोलूँ तो ये मॉड्युलस में राइजर के लिए लिख सकता हूँ वी बायस फॉर द राइजर अगर मैं कास्टिंग के लिए लिखूं तो कास्टिंग के लिए राइजर में लिख मॉड्युलस में लिख सकता हूं वी बायस फॉर कास्टिंग बहुत ही सिंपल चीज है तो यहां पे आपको अगर मैं बता दूं तो मॉड्यूल ऑफ कास्टिंग जो होता है हमेशा कम रहता है क्योंकि आपको पता है कि वी बायो है कि जो जनरली सॉलिडिफिकेशन टाइम देता है हमको बाय द वोरिनोज इक्वेशन सॉलिडिफिकेशन जो टाइम लिखते हैं हम कास्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया ये वोरिनोज का इक्वेशन वोरिनोज इक्वेशन सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इक्वल टू के इन टू ब्रैकेट वी बाई एस होल स्क्वायर ओके okay. सो so, ये वी बायस जो है भैया यही तो अपना है क्या ये वोर का रूल है जिससे हम सॉलिडिफिकेशन टाइम फाइंड आउट करते हैं जिसमें वी है वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग और आपका ए एस है दैट इज द इफेक्टिव एरिया फॉर द हीट ट्रांसफर ये सरफेस एरिया है और ये इफेक्टिव है किसके लिए हीट ट्रांसफर के लिए कि जहां से मोल्टन मटेरियल क्या करेगा हीट सराउंडिंग को देगा और वो कास्टिंग को सॉलिडिफाई करने की कोशिश करेगा ओके okay? सो so, जैसे हम बात करें कि आपको पता है सॉलिडिफिकेशन टाइम राइजर का कास्टिंग से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो लिक्विड को कॉम्पेंसेट करता है सो so, यहाँ पे टाउ आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ सी ओके कि जो जनरली अगर हम बात करें याद रखना हमेशा जो एम आर ग्रेटर एम आर स्क्वेयर दी बाई एस होल स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम सी स्क्वेयर अगर मैं स्क्वेट लूंगा तो क्या होगा एम आर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम सी और ये जो मॉड्यूल होता है राइजर का ये किसी भी में जाओ आप साइड गेटिंग साइड राइजर में जाओ टॉप राइजर में जाओ वो हमेशा क्या होता है डी बाई सिक्स होता है सो so, यहां पे डायमीटर ऑफ द राइजर बाई सिक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलर ऑफ कास्टिंग और कितना ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए जनरली डी स्टूडेंट्स याद रखना सो मॉड्यूल ऑफ दिस राइजर शुड बी एटलीस्ट Uh, 20 percent greater than the modulus of casting Agar may happily could d by 6 should be equal to then what 1.2 times of modulus of casting so diameter is equal to 7.2 times modulus of casting okay which is equal to the 7.2 into v by surface area of the casting this is the diameter of the riser ds 2 very simple very simple very simple okay so this is the डायमीटर ऑफ राइजर। सेकंड इंपॉर्टेंट केन्स मेथड की मेथड जो है उसने बहुत ही अच्छे से दिए स्टूडेंट्स बेस्ड ऑनिशनशिप रिलेशन बेस्ड अपॉन द फ्रीजिंग रेशो एक्स फ्रीजिंग रेशो की जो हम थियोरेटिकल अगर बात करें तो फ्रीजिंग रेशो होता है मॉड्यूल्स ऑफ राइजर डिवाइडेड बाई मॉड्यूल्स ऑफ कास्टिंग और जो केन ने दिया वो रिलेशन था ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू फ्रीजिंग रेशो ये इक्वेशन वन और इक्वेशन दो, दोनों क्या है फ्रीजिंग रेशो है तो मैं लिख सकता हूं दिस बाय दिसम सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी प्लस सी ए बी सी क्या है भैया सब कॉन्स्टेंट है वाई तुम्हारा है क्या वॉल्यूमेट्रिक रेशो विच इज वॉल्यूम ऑफ राइजर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग ओके सो ये एक्चुअली मेथड है केन की मेथड बाय केन्स मेथड वी कैन एबल टू डिजाइन द राइजर ओके सो भैया वो चीजें बताने के लिए टाइम नहीं है ये yes. और इसके अगर ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेटली ये ट्रायल एंड एरर से आपको करना पड़ेगा ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट ये आपका इक्वेशन uh, जो है इसकी जो डिग्री है वो तीन या चार तक चली जाती है तो डायरेक्ट आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते इक्वेशन का ओके okay. सो so, इसके लिए ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे आपको ढूंढना पड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बेस्ड ऑन द मॉड्युलस मेथड चलो जल्दी से करो बेस्ट ऑन मॉड्य मेथड ये आपको सवाल सॉल्व करना है ये होमवर्क है और बेटा ये जो दूसरा सवाल है बेस्ड ऑन द केन्स रिलेशनशिप आई हाउ गिवन सो केन का क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे एक बात याद रखना फाइनल जब आपको इक्वेशन मिलता है तो इक्वेशन में सीधा ऑप्शन उठा के वैल्यू डालना और कौन सा ऑप्शन यल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करता है वो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा भैया याद रखना क्योंकि हम वैसे ट्रायल एंड एरर करने बैठेंगे तो ये जरूर सवाल ऐसा आपको लिखने के लिए जवाब लिखने के लिए नहीं पूछेंगे आपको आपको ऑप्शन देंगे आपको ऑप्शन में से ऑप्शन में से उठा के क्या करना है वहां पे पुट करना है और आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिलेगा वही आपका क्या रहेगा सही जवाब रहेगा ओके सो भैया ये ये इसका ये दोनों का आंसर इन दोनों का आंसर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल जो अपना है परविंदर शेयर कर दो लिंक उसकी सो डू ज्वाइन मी देयर ऑन द डियर स्टूडेंट्स फॉलो मी देयर टेलीग्राम चैनल है अपना वहां पे मैं दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है पोस्ट कर दूंगा वेरी इजी बाय दॉड्यूल मेथड ओके सो बस यहां तक ही डियर स्टूडेंट्स सो टुमारो टूमारो जब हम आएंगे तो मेटल फॉर्मिंग के रिलेटेड बात होगी मेटल फॉर्मिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे रोलिंग है वायर ड्राइंग है एक्सट्रूजन uh, है फोर्जिंग है उसके ऊपर हम क्या करेंगे थेरी पढ़ेंगे फॉर्मूलेज लेंगे और फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो लाइक दिस सेशन शेयर दिस सेशन डियर स्टूडेंट्स ओके ये सब आपके लिए चल रहा है आई होप लॉन्च सेशन में सूरज सर थे ही उन्होंने बताय, बताया बताया होगा कि कैसे हम आगे ये इस सीरीज को लेके जाने वाले हैं विद इन दिस टू मंथ्स पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कवर करेंगे उसके साथ साथ ई के लिए मैकेट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स भी एंड में करने वाले हैं सो बहुत कुछ चीजें आपको देने वाले बस आपका आ, साथ वेरी इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन रहेगा आपका साथ हमेशा हमारे लिए ओके okay? और जिन लोगों का प्रिपरेशन होगा उसके लिए तो मतलब जन्नत ही है ये रिवीजन हो रहा है अच्छी तरीके से रिवाइज होगा चीजें इंपॉर्टेंट चीजें सो डू जॉइन अस डियर स्टूडेंट्स ऑन दिस फॉर दिस पर्टिक्युलर सीरीज गेट लक्ष्य ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके थैंक यू सो मच कल फिर मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स नए टॉपिक के साथ टिल देन बाय बाय टेक केयर जय हिंद एंड सब्सक्राइब दिस चैनल डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब अवर चैनल डोंट फॉर गेट टू डू दैट